समदड़ी कस्बे में सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद लूनी नदी में अवैध बजरी खनन धड़ल्ले से जारी है। किसानों का कहना है कि सवेरे 6 बजे से लगाकर सुबह 10 बजे तक दर्जनों ट्रैक्टर और डंपर बजरी भरकर धड़ल्ले से परिवहन किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर कस्बे में बजरी का अवैध खनन रात को 8 बजे शुरू होता है जो 2 बजे तक चलता है, जिसमें बजरी माफिया बेखौफ जेसीबी से कई डंपर और ट्रैक्टरों से बजरी परिवहन कर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और राजस्व विभाग को लाखों रुपए का चूना लगाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते नजर आ रहे हैं। रामपुरा से लेकर ये अपने जटंत्री सिलोर कर्मावास में या लड़गुरु जी की बगीची उसके पास से खुले आम होती है सुबह 10 बजे तक, और पुलिस वाले जब भी आते हैं तो उनको कॉल करके आते हैं कि हम आ रहे हैं। हम शिकायत करते ही उनको बोल देंगे कि हमारे पास कॉल आया था, आप वहां से जेसीबी वगैरह निकाल दो। अच्छा। तो वो लोग निकाल देते हैं नदी से और वहां पर कुछ भी नहीं रहता जब पुलिस आती है।